हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सभी? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इतिहास की गूंज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ नवा भी करने वाले हैं हम देखेंगे आज हैदराबाद के नवाबों का महल, हैदराबाद के पांचवें नवाब असफ़ुद्दौला का महल, फिफ्थ निज़ाम ऑफ हैदराबाद। तो आइए अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है। फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ उसके बाहर, तो अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो ये है दोस्तों इसका एंट्रांस, देख सकते हैं आप ये महल, चौमहल्ला पैलेस। तो दोस्तों, यहाँ से टिकट ले लिए है इंडियन सिटीजन के लिए 100 रुपीज़ और मोबाइल कैमरे के लिए 50 रुपीज़। तो दोस्तों, आपको ये जो कमरे ही कमरे दिखाई दे रहे हैं, ये है वेटिंग रूम। जो भी आम लोग निज़ाम से मिलने आते तो उन्हें यहाँ पे रुकाया जाता, वेटिंग रूम्स। देख सकते हैं कि कितने सारे कमरे ही कमरे और बहुत ही खूबसूरत सीन दिखाई देता है यहाँ से। तो दोस्तों, यहाँ पे अंदर हम नवाबी कॉस्ट्यूम पहन के फ़ोटो भी निकाल सकते हैं। देख सकते हैं ये फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं नवाबी ड्रेस में। तो यहाँ पर फर्स्ट आप देख सकते हैं ये। तो दोस्तों, स्टार्टिंग में जिसको नवाबी कॉस्ट्यूम पहन के फ़ोटो निकालना है तो निकाल सकते हैं। अभी आगे बढ़ के देख सकते हैं ये सारे कमरे कमरे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये चौमहल्ला पैलेस हैदराबाद राज्य के निज़ाम का महल था। इसका निर्माण 1869 यानी कि 1869 में किया गया है। ये पाँचवें निज़ाम अफजलुद्दौला का महल था, फिफ्थ निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इनके शासनकाल में बना हुआ है। यहाँ पर कुल 4 महल है, चौमहल्ला यानी कि 4 महल का ये एरिया है। यहाँ पे 4 महल के भी नाम दिए गए इसमें। पहला महल अफजल महल, महताब महल और तेनियात महल और बाद में आफ्ताब महल। तो ये चारों महल आज हम देखेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ से ब्यूटीफुल व्यूज आप देख सकते हैं चारों महल के। और ये जो कमरे कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बड़ा कैनन रखा हुआ है और सामने एक बड़ा हौद, वहाँ पे भी एक कैनन है। तो आइए अभी हम इस सामने वाले महल में जाते हैं, दिखने में तो बहुत ही शानदार दिख रहा है। तो दोस्तों, आइए इसके एक महल में जाते हैं जो दिखने में तो बहुत शानदार है, अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है। तो वीडियो में अंत, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है फर्स्ट निज़ाम, निज़ाम उल मुल्क असफ जहाँ, जिसे चिंगेज खान के नाम से भी जाना जाता था। फर्स्ट निज़ाम ऑफ हैदराबाद, जिन्होंने 1724 के दरमियान उन्होंने अपनी खुद की एक अलग सल्तनत बना दी थी। और यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। सुल्तान अतरक, और यहाँ पे ये है सेकंड निज़ाम, निज़ाम अली खान असफ जहा सेकंड। और ये है थर्ड निज़ाम, मीर अकबर अली खान सिकंदर जहा असफ जहा थर्ड। और इधर है फोर्थ निज़ाम, निज़ाम फखरुद्दीन अली खान नासिरुद्दौला। एंड दिस इज फिफ्थ निज़ाम, निज़ाम तेनियात अली खान अफजलुद्दौला, जिन्होंने इस महल को बनवाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पे मोहर रखी हुई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है। और आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये है निज़ाम का दरबार, यहाँ पर बैठ के वो फैसले किया करते। तो ये सारी चीज़ अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये है निज़ाम का दरबार, जो मीर उस्मान अली खान साहब थे, यहाँ पे बैठ के वो फैसले सुनाया करते थे। इसके झुमांस वगैरह आप देख सकते हैं, कितने खूबसूरत झुम्बर लगे हुए यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत। और इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ऊपर से बहुत ही खूबसूरत है।
सामने आप जो तख्त देख रहे हैं, यह है निज़ाम का तख्त। नवाब यहाँ बैठा करते थे, और पीछे आप जो जाली देख रहे हैं वहाँ पे खवातीन यानी कि लेडीज़ बैठी थी सुनवाई के वक्त। बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत ये तख्त का व्यूज आ रहा है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी जाली जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लेडीज़ लोग बैठा करते थे। ऑसम, ब्यूटीफुल। तो दोस्तों ये है छठवें निज़ाम मीर महबूब अली खान बहादुर असफजाद फिफ्थ, और ये उनके शासनकाल के दरमियान के यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स लगे हुए है। और ये है सातवें निज़ाम, एक वक्त के दुनिया के सबसे अमीर इंसान मीर उस्मान अली खान बहादुर असफजाद सेवेंथ, देख सकते हैं आप ये। दोस्तों एक ज़माने में ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान हुआ करते थे, आप देख सकते हैं। और यही शख्स है जिसने भारत सरकार को 5000 किलो सोना दान दिया था। और ये है निज़ाम टाइम पीरियड की करेंसी, देख सकते हैं आप। सिक्के वगैरह भी देख सकते हैं जिसकी कीमत 1 पैसे से भी कम थी। और ये नोट वगैरह भी आप देख सकते हैं, ये वाली जो है ये 5 रुपए की नोट। और ये वाला जो है ये मस्जिद उस्मानिया, देख सकते हैं ये सारा चांदी का बना हुआ है, इसका सारा डिज़ाइन देख सकते हैं आप, ये मस्जिद उस्मानिया। तो चलो फ्रेंड्स, ये देखने के बाद अब अगले रूम में जाके देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये है चांदी का तख्त, निज़ाम के रूल्स के टाइम के, देख सकते हैं किस तरह कमरे के बाहर एक सिपाही खड़ा हुआ है। सातवें निज़ाम लॉर्ड विलिंगडन के साथ है चौमोहल्ला पैलेस के दरबार में। ये फोटो 1933 लॉर्ड चैंसफोर्ड विथ निज़ाम मीर उस्मान अली खान साहब। और ये उस्मान अली खान साहब। तो दोस्तों बाहर हमने जो दरबार देखा है वो कुछ इस तरह भरा करता था उस ज़माने में, और कुछ इस तरह का फीला निकला कर। तो दोस्तों यहाँ से ऊपर जाना है, और ये जो सीढ़ियाँ बने हुए हैं ये लकड़ी के सीढ़ियाँ है। तो दोस्तों अभी हमने इसका नीचे का फ्लोर देख लिया, दरबार वगैरह फोटोज़ वगैरह अभी यहाँ पे इसके सेकंड फ्लोर पे आ गए है। अब ये जो जगह देख रहे हैं ये यहाँ पे सुनवाई के वक्त लेडीज़ बैठा करती थी, और यहाँ से आप दरबार का एक खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। और यहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं, ये है फर्स्ट निज़ाम, यहाँ सेकंड निज़ाम, और ऐसे सारे निज़ामों के फोटोज़ यहाँ पे। कभी यहाँ निज़ामों की खवातीन बैठा करती थी। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी शेर का शिकार किया हुआ एक प्रिंट यहाँ पे लगा हुआ है। और इस हॉल में हेरिटेज क्रॉकरी रखी हुई है। तो ये सारी क्रॉकरीज आप देख सकते हैं। And this is made from China, made in China.
तो सारा इस कुछ इस तरह इसे रखा गया है। और दरबार का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे हमने क्रॉकरी हॉल देख लिया है, अभी आगे बढ़ के देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इस रूम में रखे इनके तलवारें वेपन्स वगैरह तो अभी हम यही देखेंगे। इस तरह होता था निजाम सिपाही। और दोस्तों, इस ओर रखी हुई है बंदूकें, देख सकते हैं ये गन्स, राइफल वगैरह जो भी हो, पिस्तौलें रखी हुई है, सारे निजामों के टाइम की है ये। तो ये अलमारी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अभी हमने इसी महल के अंदर जाके क्रॉकरीज वगैरह वेपन्स देखे हैं। अभी यहाँ से हम कारों का विंटेज कलेक्शन देखने जाएंगे। बहुत ही रॉयल कारें यहाँ पे रखी हुई है। तो दोस्तों, इस ओर रखी हुई है विंटेज कार जो कि नवाब यूज करते थे। तो आइए अभी देखते हैं यहाँ पे रॉयल्स, एकदम रॉयल कार्स। तो दोस्तों, ये है रोल्स रॉय सिल्वर घोस्ट 1912 का मॉडल। इसे कांच के अंदर रखा गया है। और 1906 का नेपियर टैप L7640 HP। और दोस्तों, ये वाली है 8वें निज़ाम मुकर्रब जहाँ की कार। और दोस्तों, ये वाला कलेक्शन जो है, ये निज़ाम के जो वर्कर थे उनके बाइक्स और कार वगैरह है ये। इसे भी यहाँ पे रखा हुआ है। अरे, आप बग्गी वगैरह भी देख सकते हैं यहाँ पे। इसे घोड़ा वगैरह लगा हुआ करता था, ये देख सकते हैं आप। इसका भी कलेक्शन यहाँ पे रखा हुआ है चौमल्हा पैलेस में। तो फ्रेंड्स, आफ्ताब महल के अंदर जो नवाब लोग जो अटायर्स कैरी करते थे, तो वो सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। ये उनके ख़वातीन के जो साड़ीज़ वगैरह है जो कि काफ़ी प्राइसलेस है दोस्तों। ये सब कुछ आफ्ताब महल के अंदर रखा हुआ है, देख सकते हैं आप। उनके ख़वातीन की ये
ड्रेसेस जो वो पहना करते थे, सूट्स वगैरह आप देख सकते हैं, ये सब कुछ आफ्ताब महल के अंदर रखे हुए हैं। तो दोस्तों ये है अफजल महल, अभी अंदर जाके देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो ये है अफजल महल का सामने का एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नवाबों के टाइम पीरियड का यहाँ पे सोफ़ा चेयर्स वगैरह रखे हुए फर्नीचर, जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और ऊपर पंखे भी देख सकते हैं, ये डबल मंजिला है, इसका ऊपर का फ्लोर देख सकते हैं झूमर। तो ये सारा जो आप चेयर्स देख रहे हैं, फर्नीचर देख रहे हैं, ये है हैदराबाद के नवाबों का महल। तो दोस्तों अभी अफजल महल के अंदर जो भी सोफ़ा रखा हुआ था वो हमने देखा है, चलो अभी आगे बढ़ के देखते हैं और क्या क्या है अंदर। और दोस्तों यहाँ नीचे देखेंगे तो आप हमें मिट्टी दिखाई देंगी, क्योंकि उस टाइम यहाँ पे घोड़े हाथी और रथ वगैरह चला करते थे, इसलिए आज भी ये ऐसे ही है। और आसपास गार्डन वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था चौमौला पैलेस, यानी कि चार महल, चारों महल हमने देखे हैं। और अंदर जो भी क्रॉकरीज, लग्जरियस कार, बग्घी खाना वगैरह जो भी था हमने देखा, ये बहुत ही खूबसूरत लगा दोस्तों। आई होप आप भी यहाँ पे आए तो ज़रूर आइए, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।